आरपीपी रहनुमा नफीसा शाह की कोर डीजी में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हर जमात ने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ा था, हमारे मंशूर पर तब अमल होगा जब वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। जीडीए को चैलेंज किया है कि सिंध में धांधली का सबूत पेश करे और कहा कि जीडीए ठप्पे नहीं लगा सकी, लिहाजा रोना गाना शुरू कर दिया। जमात ने मंशूर पर इलेक्शन लड़ा था, हमारा मंशूर उस वक्त सवालात बनते हैं जब हमारे वजीर आजम जो है वो बिलावल जब उस मनसब पे आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमारा मंशूर अमल में आएगा। अगर जीडीए को ऐसी शिकायत है तो शिकायत का फॉरम जो है वो कानूनी फॉरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, वहाँ हाईकोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं, और फिर अगर आवाम की अदालत में आपको जाना ही है तो आप दिखाएं, पहले तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएं कि कहाँ आपके रिजल्ट्स जो है वो ऊपर नीचे हैं, कहाँ इन रिजल्ट्स में हम आहंगी नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सिंध में धांधलियाँ हुई हैं, तो एक सबूत भी नहीं लेकर आए जो उन्होंने दिखाया हो कि कहाँ उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, कहाँ धांधली हुई है, कहाँ ठप्पे लगे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का।